नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार से निकले जाने माने क्रिकेटर अनुकूल रॉय के बारे में। क्रिकेट की दुनिया में कई बिहारी खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज किया है। इसी क्रम में अब बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले खिलाड़ी ने भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार से निकले क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम अनुकूल रॉय है, जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के साथ साथ निचले क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं। हाल ही में उन्हें IPL में मुंबई की टीम का बतौर हिस्सा देखा गया है। हालांकि अब तक अनुकूल को मुंबई की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन चेन्नई के खिलाफ उन्हें मयंक मार्कंडे की जगह टीम में शामिल किया गया था। अब आपको अनुकूल के बारे में हम कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाएंगे। अनुकूल रॉय का जन्म 30 नवंबर 1998 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। अनुकूल के पिता का नाम सुधाकर रॉय है, जो पेशे से एक अधिवक्ता है। इतना ही नहीं, अनुकूल अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। अनुकूल के किस्मत की राह इतनी आसान नहीं थी। बिहार में जन्मे अनुकूल को क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे राज्य का मुंह देखना पड़ा था। इसका कारण ये था कि जब अनुकूल ने खेलने की इच्छा जताई थी तो बिहार को BCCI से उस वक्त मान्यता नहीं मिली थी, और यही कारण है कि उन्होंने झारखंड से खेलने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, अनुकूल U19 विश्व कप 2018 में भारतीय टीम की तरफ से भी खेले थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले 6 मैच में 14 विकेट लिए थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, जिससे वो सबसे तेज गेंदबाज भी बनकर उभरे थे, जिसके बाद IPL में उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। हालांकि अनुकूल को डेब्यू करने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। अनुकूल के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी, 2017 में झारखंड के लिए अपनी सूची 1 की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी, 2018-19 में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। वो टूर्नामेंट में झारखंड के लिए अग्रणी विकेट लेने वाले 9 मैचों में 30 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 2018 में झारखंड के लिए 2020 की शुरुआत की, जहां वो इस साल भी खेलते नजर आए हैं। अक्टूबर 2019 में उन्हें 2019-20 देवधर ट्रॉफी के लिए इंडिया बी की टीम में नामित किया गया था। जानकारों की माने तो अनुकूल रविंद्र जडेजा के बहुत बड़े प्रशंसक है। उनके प्रशंसक होने का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि अनुकूल के पूरे कमरे में रविंद्र जडेजा की तस्वीर लगी हुई है। इतना ही नहीं, वो जडेजा की तरह ही खेलते भी हैं। उन्हें लोग प्यार से जडेजा के प्रशंसक होने के कारण ही झंडू नाम से बुलाते हैं। हालांकि उनकी कड़ी मेहनत ही थी कि उनका चयन क्रिकेट सह कोच ब्रजेश कुमार झा की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट लीग में ऑलराउंडर प्रदर्शन के बल पर डिस्ट्रिक्ट टीम में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उन्होंने अभी तक 13 प्रथम श्रेणी, 22 लिस्ट A और 26 T20 मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी मैच में अनुकूल रॉय ने शतक बना लिया है। लिस्ट ए मैच में उनका सबसे बड़ा स्कोर भी 96 रनों का रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट स्कोर 127 रन बनाए हैं। रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने पिछले सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने झारखंड के खिलाफ डेब्यू किया था, जहां वो 30 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। अपने घातक गेंदबाजी से ही उन्होंने साल 2018 में ICC U19 विश्व कप में रातोंरात स्टार बनने का काम किया था। अनुकूल ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे, वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे। हम आशा करते हैं कि अनुकूल रॉय जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार के किस क्रिकेटर को जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह दिए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।